हम आए हुए हैं कैमूर जिले के उजरा प्रखंड में, जो ग्राम पंचायत भदौला पड़ता है। ग्राम पंचायत भदौला के भावी प्रत्याशी या वर्तमान प्रत्याशी कहा जाए, जो साधना देवी हैं, श्रीमती साधना देवी, उनके प्रतिनिधि हैं राकेश पांडे जी। आज राकेश पांडे जी से ग्राम पंचायत भदौला के विषय में जानकारी लेना चाहते हैं, ताकि एक जनप्रतिनिधि की हैसियत से मैदान में कूद पड़े हुए हैं। जबकि पूर्व मुखिया या वर्तमान मुखिया कहा जाए तो श्रीमती गीता पटेल जी, उनके प्रतिनिधि विनोद कुमार सिंह के द्वारा कार्यों की समीक्षा हो रही है। तो उनके कार्यों की कई लोग गाँव में जाने के बाद, दौरा करने के बाद पता चल रहा है कि कामों में अनियमितता बड़े पैमाने पर है। तो आप एक विपक्ष में हैं, मजबूती रूप से आपको लोग कह रहा है राकेश कुमार जी को कि नहीं, विपक्ष के रूप में हैं, तो क्या ग्राम पंचायत आपको मुखिया बनाती है तो पंचायत के लिए क्या करिएगा? ठीक है, पहले जो मुखिया यहाँ पर थे विनोद जी, उनके कार्य में जो बिनौल जल जो भी लगाया गया सभी बंद है। यहाँ पर देखिए एलाका गांव में भी बंद है, और भी टूटे फूटे जो भी है उसको मैं पूरा करूँगा। इस पंचायत के एक जनप्रतिनिधि के नाते करता हूँ कि जो भी काम होगा अधूरा पड़ा है उसको पूरा कर दूँगा। एक हम गांव में गए थे, आप ही के क्षेत्र में पड़ता है घरी विद्यालय। घरी विद्यालय में वहाँ उन लोग कहा कि मुखिया के द्वारा विद्यालय में पानी आ रहा है, ठीक ठाक नहीं करा है। क्या मुखिया बनेगा तो विद्यालय के प्रांगण को ठीक कराइएगा? ठीक है, हम उस देखे हैं वहाँ पर जाकर, वहाँ पर बहुत से मैंने अगल बगल में पानी का जल जमा हुआ है, उसके लिए मैं कहता हूँ कि उसको जरूर पूरा करूँगा। देखता कर भी सबको सहयोग से, सब जनता के बल पर उसको एकदम अधूरा जो काम है उसको पूरा कर दूँगा। आपने अपने पंचायत के लिए क्या सपना देखा है? जो भी ग्रामीण का विकास बाकी है उसको सबको पूरा कर दूंगा। आप मतदाताओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? मतदाताओं से संदेश यही देना चाहता हूँ, एक बार कम से कम हम लोग को भी चुनाव में सहयोग करें। पूरे पंचायत में भ्रष्टाचार की चर्चा चल रही है वर्तमान मुखिया द्वारा, तो आप अगर मुखिया चुने जाते हैं तो भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए क्या प्रयास करिएगा? मैं जोर से उसको समाप्त कर दूंगा। आइए, आपसे मिला है राकेश कुमार पांडे जी से, जिनका कहना है कि पंचायत में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाऊंगा। किसानों के लिए खादों के लिए महामारी बड़े पैमाने पर है, जबकि पंचायत में कई किसान खादों के लिए छटपटा रहे हैं, इस पर क्या कहना आपको है? हमारे यहाँ जो पंच सदस्य हैं, यहाँ पर किसान के लिए जो भी धान खरीदने के लिए अथु बीवी